भारतीय पंजाबी युवा एकता मंच द्वारा आर्टिमिस अस्पताल के सहयोग से प्रताप नगर स्थित डेरावाल भवन परिसर में निशुल्क मल्टी स्पेशलिस्ट विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ जिले के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव व भारतीय पंजाबी युवा एकता मंच के चेयरमैन बोधराज सिकरी ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने शिविर का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनुज गर्ग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर धर्मेंद्र बजाज, राजेंद्र बजाज, युधिष्ठिर अलमादी, प्रमोद सलूजा, मुख्य संरक्षक डेरावाल बिरादरी ओम प्रकाश कथूरिया, डॉक्टर परमेश्वर अरोरा समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज, मैं हूँ आपके साथ आदर्श झा। ये जो मौसम है, इस मौसम में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पे भारतीय पंजाबी एकता युवा मंच के द्वारा एक निशुल्क जांच सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय पंजाबी एकता युवा मंच के प्रधान, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर, ये जो आज शिविर का आयोजन किया गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि जो लोग मतलब यहाँ पे हमारी कॉलोनी में रहते हैं, फ्री ऑफ चेकअप हो जाए हॉस्पिटल की तरफ, आरटीएमएस की तरफ वालों का मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे फ्री अपनी तरफ से एक फ्री कैंप लगाया है। और दूसरे नंबर पे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ मेन काइंड वालों का, जिसके बीच में सूत्रधार हमारे चेयरमैन साहब हैं बोधराज सिकरी जी ने ये सारा आयोजन करवाया। दवाइयाँ मेन काइंड की तरफ से फ्री है और आरटीएमएस की तरफ से सारे डॉक्टर, फिजिशियंस, आईज वाले सभी डॉक्टरों ने अपनी यहाँ फ्री सेवा की है, ताकि कॉलोनी में जो लोग बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते तो यहाँ आके हमारे डेरेवाल बिरादरी में आके अपना फ्री चेकअप कराए, उसके लिए ये रखा हुआ है हमने प्रोग्राम था। अच्छा, इस प्रोग्राम में आज ये जो शिविर लगा है, इसमें खासकर आप लोगों ने कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं लोगों के लिए? इसमें मेन तो देखो जो है फिजिशियन भी यहाँ बैठे हुए हैं, ऑर्थोपेडिक वाले भी डॉक्टर आए हुए हैं, और बीपी और शुगर और हार्ट के भी ईसीजी वगैरह भी हुई हैं, और बाकी आँखों के भी डॉक्टर हमारे त्रिलोक आहूजा जी, उनकी भी पूरी टीम आई है उनकी बस, जिसमें वो फ्री सेवा, फ्री उन्होंने जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए फ्री चश्मे भी वो अपनी तरफ से उन्होंने करे हैं। और बाकी सब लोगों का नाश्ते का जो था, जो लोग यहाँ गेस्ट आए हुए थे, उनका सारा प्रोग्राम हमारे कथूरिया साहब ने कराया, जो होम स्वीट के ओनर है। अच्छा, आज इस प्रोग्राम में जो खासकर जैसे यहाँ पे दवाइयाँ देखी जा रही हैं, और मैं बोर्ड पे जैसा देख सकता हूँ कि कुछ संगठनों का यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो खासकर विशेषकर कौन से ऐसे संगठन हैं जिन्होंने मिलकर ये कार्य किया है, या फिर कोई खास एक संगठन? मेन देखो मेन एक ही संगठन था, जो भारतीय युवा एकता मंच के जो संगठन हैं, जिनका कि मैं प्रधान हूँ और हमारे चेयरमैन साहब बोधराज सिकरी जी हैं, इसी संगठन की तरफ से ये सारा हुआ है। दूसरा हमारे जो संगठन साथ में जुड़े हैं वो हमारे डेरेवाल बिरादरी है, जिसके प्रधान हैं हमारे चुटानी जी, रमेश चुटानी जी, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया, पूरी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जगह दी, एसी वगैरह सब प्रबंध उन्हीं का था, तो उन्होंने यहाँ पे सारा कराया। लोगों की कितनी रुचि देखी आज? लोगों की काफ़ी रुचि देखी, इतनी गर्मी होने के बाद, आज संडे होने के बाद भी दोपहर को काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं, लगभग 200 पेशेंट यहाँ पे आए हैं जिन्होंने अपना फ्री 230 के आसपास लोग आए हैं जिन्होंने अपना यहाँ पे टेस्ट कराए हैं, और मेरा ख्याल मैक्सिमम लोगों को यहाँ दवाइयाँ भी फ्री मिल गई हैं। कुछ दवाइयाँ जो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो हमारे सिकरी साहब ने यह कहा है कि जो दवाई अवेलेबल नहीं है, अगर जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उनके एड्रेस लिख लिए हैं, उनको एड्रेस पे वो बाकायदा वहाँ पे उनके एड्रेस पे भेजेंगे, डिलीवरी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सिकरी साहब ने आश्वासन दिया है। हम एक 21 तारीख को लेदर वैली पार्क सेक्टर 29 में बहुत बड़ा एक योग शिविर लगा रहे हैं, जिसमें 5,000 से 6,000 लोग आएंगे, जिसमें हमारे बोधराज सिकरी जी ने पूरा वहाँ पे प्रबंध कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी भारतीय युवा एकता मंच भी और पंजाबी बिरादरी महासंगठन भी, दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 6,000 लोग योगा करने आएंगे। योगा सर, ये इस बार पहली बार आयोजन किया गया है या फिर? ये जो स्वास्थ्य का है पहली बार, लेकिन भारतीय युवा जो मंच है, पंजाबी मंच, ये सबसे पहले मैं इनका, ये 36 बिरादरियों के लिए है, इसमें कोई जात पात नहीं है। ये जो कैंप लगा है, इसके जो प्रधान हमारे नरेश चावला जी हैं और संरक्षक बोधराज सिकरी जी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ इस स्वास्थ्य के नहीं, इनका काम है, चाहे बोधराज सिकरी जी हों, चावला जी हों, चाहे हमारे ओम प्रकाश कथूरिया जी हों, पूरी टीम, ये तन मन धन से, क्योंकि देखो हर काम में धन सबसे पहले है, लेकिन ये जितना भी है तन मन धन से करते हैं, और
हर चीज़ में, जैसे अब एकादशी आएगी उसमें भी ये लोग पूरा योगदान देते हैं। ये पहला है, मैं ये चाहूँगा लोग करती है, टीम वर्क है, तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करूँगा और आपका भी, आपकी टीम का भी धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे भारतीय पंजाबी युवा एकता मंच के प्रधान, जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे तकरीबन सुबह से 230 लोग आ चुके हैं जिनको फ्री सेवाएं दी जा चुकी हैं, जिनके लिए दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है उनको होम डिलीवरी तक की सुविधा दी जा रही है। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ आदर्श द क्राउन न्यूज़ गुरुग्राम।